खरसवा गोलीकांड के शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरू करता हूं, अपनी बातों को रखता हूं। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ और आंदोलनकारी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित पार्टी के सम्मानित नेतागण, विधायकगण, हमारी विधायिका नेत्री और हमारे कांग्रेस के विधायक भाई बन्ना गुप्ता जी, और विशेषकर यहां उपस्थित खरसवा के विभिन्न गांव से, पंचायतों से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सभी को भी मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। सरकार बनने के बाद राज्य के पहले दौरा का यह कार्यक्रम है। सरकार गठन होने के बाद मैं पहली बार आज रांची से बाहर निकला हूं और आज हर साल की तरह इस साल भी हम लोग खरसवा के इस शहीद स्थल पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से माननीय सभी हमारे विधायकों ने बातों को कहा कि ये राजवीरों का राज है और सही में ये राजवीरों का है। जब ये देश आजादी के सपने नहीं देख रहा था, तब से झारखंड का लोग संघर्ष कर रहा था और हमारे इस राज्य के हर कोने कोने में, चाहे वो कोल्हान हो, संथाल परगाना हो, पलामू हो, छोटा नागपुर हो, हर क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कहीं कई लोग और कई जगह शहीदों का इतिहास छुपा हुआ है। खरसवा गोलीकांड, गोवा गोलीकांड, हमारे नीलांबर पीताम्बर, हमारे वीर बुद्धू भगत, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, विनोद बिहारी मातो, शहीद निर्मल महतो, अनेकों ऐसे आप नाम सुनेंगे कि आप नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन शहीद खत्म नहीं हो। और आज इन शहीदों को नमन कर हम अपने हर कार्य को प्रारंभ करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि हमें अपने शहीदों के आदर्शों से शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। आज ये राज देश के सर्वोत्तम पिछड़ों राज्यों में से सबसे अधिक पिछड़ा ये राज्य है और इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी हमारे लोगों ने लंबी लंबी लड़ाई लड़ी, शोषक वर्गों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ तक हमारे यहां के गरीब गुरुआ लोगों ने संघर्ष किया। शरीर में कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, फिर भी अपने बुलंदी हौसलों के बल पर
अपनी हक अधिकार की लड़ाई सदियों से लड़ते रहे। ना गोली था ना बंदूक था, ना खाने को जुटता था ना पहनने को जुटता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो अपने हक अधिकार के प्रति कितना जागरूक और कितना सजग और कितना मजबूत रहा था। और आज उन्हीं को आदर्श मानकर, उनके आदर्शों की गठरी बांधकर आदरणीय गुरुजी ने एक लंबी, उन्होंने भी जंग लड़ी, अलग राज हमें यहां हमारे झोली में लाकर के दिया। अभी चुनाव के दौरान हम इसी मैदान में हम आए थे और चुनावी सभा में हमने ये कहा था कि राजरूपी घर तो हमको मिल गया, लेकिन असल में आज 19 साल हो गया, उस झारखंड रूपी घर में हम घुस नहीं पाए हैं। और आज पूरे राज्य के लोगों ने फिर उन आंदोलनकारी और शहीदों के ताकत को इकट्ठा करके एक मजबूत प्रयास किया और आज इस राज्य में आपकी सरकार खड़ी है, आपकी सरकार बैठी है। अब आप तय करेंगे कि हम इस घर को कैसे सजाएंगे, ये हम तय नहीं करेंगे, ये आप लोग तय करेंगे। माध्यम हम जरूर रहे लेकिन पूरे इस शरीर के अंदर इस राज के उन शहीदों का खून अभी भी दौड़ रहा है। आज आई पहला मेरा कार्यक्रम है और आप विश्वास रखिए इस भाई पर, इस बेटे पर, इस दोस्त पर, हमने जिस सोच के साथ और जिस आशा और उम्मीद के साथ हमें आप लोगों ने इस राज को आगे ले जाने की जिम्मा सौंपी है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ उम्मीद और आशाओं की पहाड़ है, दूसरी तरफ अव्यवस्था की एक बड़ी खाई है और इन्हीं से के बीच से हम रास्ता भी निकालेंगे। और चुनौती हमेशा हमारे पूर्वजों ने ग्रहण किया है, हमेशा चुनौती को अपने सीने से लगाया है, इस चुनौती को भी हम अपने कंधों पर लिए हैं और इस राज को मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। आज इस राज में कोई ऐसा काम नहीं होगा, कोई ऐसे नियम कानून नहीं बनेंगे जिससे इस राज के लोगों को तकलीफ हो, यहां के जनमानस दुखी हो, क्रोधित हो। और यह भी बात सही है, यहां के लोगों ने जब जब अपना अधिकार के प्रति सजग और जागरूक हुए और जब जब हम लोगों ने ठाना है, आप लोग को याद होगा आंदोलन के समय आदरणीय गुरुजी के साथ कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, आदो बाबुन बतावा झारखंड राज बना था वह, यही होता था वह। और ये राज हम लोगों ने लिया है, आज ये चुनौती भी हम लोगों ने आज विगत 5 साल जो बीता वो 5 साल कितने कष्ट भरे थे वो आप लोगों ने महसूस किया है, एहसास किया है। लेकिन आप सरकार बनने के बाद
जो हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी, उस कैबिनेट का जो संदेश है, उस संदेश में कई चीजें छुपी हुई है कि इस राज्य में अब राज विरोधी कोई कार्य नहीं किया जाएगा, यहां के झारखंडी और आदिवासियों के हित में सारी कामें और निर्णय लिए जाएंगे। हर वर्ग का लोग हमारे इस विकास के पैमाने में जुड़े हुए हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमने तो पहले ही कहा है, हम लोग थोड़ा, समाज भी हम लोग ऐसा ही है, हम लोग थोड़ा लजाते हैं, शर्माते हैं, बोलते कम है, लेकिन करते जरूर है। और इसलिए हमको बोलने में और भाषण देने में थोड़ा हिचक होती है, जब जिम्मेवारी काम मिल जाता है तब आप लोग देखेंगे। ये तो हमने कहा है पहले ही अपने चुनाव में, हमने गोवा सहित कांड के लोगों को, खो चुके लोग, मिल नहीं रहे थे वो सभी लोग, खोज खोज करके हमने नौकरी दिया, उसमें भी एक आदमी बेचारा नहीं मिल पाया, एक परिवार वो भी नहीं मिल पाया, उसका नौकरी अभी भी रखा हुआ। हम इसी तरीके से आने वाला समय में खरसवा सहित के लोगों को खोज खोज कर, हमने कहा है इस राज के आंदोलनकारियों के जो शहीद हुए आश्रितों को, जितने भी राज में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे और खोज खोज करके देंगे और शहीद परिवार को सम्मानजनक पेंशन भी देने का हम लोग काम करेंगे। पूरा समय तो वो लोग लड़ने मरने में, अधिकार की लड़ाई के लिए, राज को बचाने के लिए, हमारे हम को बचाने के लिए, अपने वो पीढ़ियों को बचाने के लिए, जंगल जमीन को बचाने के लिए पूरा जीवन दे दिया, लड़ा मरा, पुलिस का लाठी गोली खाया, जेल में सड़ गया, परिवार बिखर गया, आज भूखमरी की स्थिति है। और आज हम संकल्प लेते हैं कि इस राज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, सबको भरपेट अनाज देने का काम हमारी सरकार करेगी। जो कलंक पिछले 5 साल में लगा है, उस दाग को भी हमें धोना है। इसलिए साथी, बातें बहुत है, काफी पीड़ा है हमारे भी मन में। अभी शपथ ग्रहण के बाद कई लोग आए हमारे पास, लगातार लोग आ रहे हैं, कोई लंगड़ते, कोई गिरते, कोई पड़ते। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जिस बार का जो लोगों की आकांक्षाएं आशाएं हैं। कभी कभी मैं भी डरता हूं, हम भी एक इंसान ही हैं और प्रयास होगी कि हमसे कोई गलती ना हो। हम भगवान से, शहीदों से हम आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरे हाथों से कोई ऐसी गलती काम ना हो जिससे इस राज को नुकसान हो। और हमारा हर वो कदम उठे जिससे इस राज का मान सम्मान बढ़ता हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता निकलता हो, हमारी मां बहनें बेटियों की सुरक्षा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, इस राज का नाम, जिस तरीके से इसको सोने का चिड़िया कहा जाता है, वास्तविक में इसको सोने का चिड़िया बनाने का लक्ष्य हम तय कर पाए। यहां कई लोग बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग बहुत उद्दंड है, हम लोगों से लोग डरता है,
भय है, क्योंकि हम लोग मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं। हमको बता दो कौन सा हमारा आदिवासी भाई बिना वजह का किसी को मारता काटता। जब जब हम पर अत्याचार हुआ है हमने निश्चित रूप से उसका विरोध किया है। हमारा समाज कभी भी देशद्रोह नहीं हो सकता है, ना राजद्रोह हो सकता है। आज बेवजह लोगों को फंसाया गया, आज इसीलिए हम सभी लोगों को सामंजस्य के साथ विकास के पैमाने की लकीर खींचेंगे। यहां उद्योग लगाने के नाम पर हमेशा ठगा महसूस हुआ लोगों को, और नतीजा आज के दिन में रोजी रोजगार पर हमारे लाले पड़ गए, जमीन चली गई हमारी, खेत बाड़ी चला गया हमारा, विस्थापित हो गए हम, और नौकरी भी मिलने लगा दूसरे को। ये तालमेल और ये असमंजस कैसे बनेगा, ये सरकार का दायित्व है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जहां भी उद्योग लगेगा वहां पर जो जमीन मालिक है उसको भी सरकार संरक्षण देगी, और जो उद्योग घराना है उसको भी संरक्षण सरकार देगी, दोनों को संरक्षण देगी, और दोनों की सहभागिता सुनिश्चित होगी, और हम लोग सब कोई मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही गरिमापूर्ण दिन है। लोग आज पिकनिक मना रहे हैं, कोई पूजा करने जा रहा है, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई झरना में, और हम लोग शहीद स्थल पर नमन करने हैं। इससे बड़ा मैं समझ सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और झारखंडियों के लिए इससे बड़ा पिकनिक और इससे बड़ा त्यौहार नहीं हो सकता कि साल का पहला दिन से हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके कदमों के पीछे, जिनके परछाई के पीछे हम लोग चलते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। जिस दिन गरीब के पेट में अनाज आएगा, जिस दिन गरीब के चेहरे में मुस्कान आएगा, उसी दिन उसके लिए होली और दिवाली होगी। इसलिए साथी, बातें बहुत है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको यहां पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।